आप सभी से आग्रह है कि सामने लगी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ी देर में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हम सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारी बंधु, छात्र छात्राएं, आपने निवेदन करते हैं सामने लगी कुर्सियों पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। फिर हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, एक ही बार बढ़ा दिया। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से आज पटना कॉलेज के प्रांगण में भारतीय गणतंत्र की स्थापना के 70वें दिवस पर आपको बधाई देता हूं और यह आपके मनन के लिए छोड़ता हूं कि हमारा क्या कर्तव्य है, भारत को कहां ले जाना है। जिस तिरंगे झंडे को आज हम और आप सभी सलाम कर रहे हैं, उस तिरंगे झंडे की आन और शान की स्थापना के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितनी कुर्बानियां दी गई, उसका कोई वास्तविक लेखा जोखा नहीं है। हम कुछ लोगों का नाम गिना सकते हैं, कुछ लोगों के काम की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अनंत लोग हैं जो त्याग करके अंतर्धान हो गए और हम उन्हें ना जानते हैं, लेकिन उन सबों ने ही इस भूमि को सींचा है जिससे कि आज हम और आप स्वतंत्रता के हवा में जी रहे हैं और एक स्वतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में जीवित हैं और इसके प्रगति की कामना करते हैं। मित्रों, भारत की आज़ादी और भारत के गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना में पटना विश्वविद्यालय का भी बड़ा योगदान है। आप जिस प्रांगण में बैठे हैं,
स्वतंत्रता का इतिहास और भारत के संविधान के इतिहास के निर्माण की चर्चा बिना इस प्रांगण के नहीं हो सकती है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से जो इसी पटना कॉलेज के छात्र थे, संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे जो पटना कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डायरेक्ट छात्र नहीं थे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय से उनका लगाव छात्रवत जैसा था। इस प्रकार वे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा के अस्वस्थ होने के बाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। इसी प्रांगण से डॉक्टर प्रधान चंद्र राय जो पहले चंद्रशेखर असेंबली के सदस्य थे, फिर जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह सर, जो अनेकों लोग आए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, कितने नाम हैं जो इस प्रांगण से आए और भारत की रूपरेखा, बिहार की रूपरेखा बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं खासकर अपने विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप उन पीढ़ी को याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्हें आज देश याद करता है, वे इसी प्रांगण से निकले थे। आप स्वयं विचार करें हमें क्या करना है, कैसे आगे चलना है, जिससे कि इस देश का नाम, इस राज्य का नाम, इस विश्वविद्यालय का नाम, आपके शिक्षकों का नाम और आपके परिवार का नाम भी आगे बढ़े। मित्रों, भारत के सामने कुछ स्वाभाविक भी है, इतने बड़े गणतंत्र की दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण अनेक समस्याएं हैं। समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उस पर विचार करना आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दो ऐसे मौके होते हैं जब आप और हम बैठ के सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने क्या किया, देश ने क्या किया, समाज ने क्या किया, आगे क्या करना है। मित्रों, 20वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के अधिकतर भाग में यूरोपीय देशों का बोलबाला था। 20वीं शताब्दी के अंत में जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, एक पक्षी दुनिया का कुछ उदय हुआ। लेकिन आप निश्चित जाने 21वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी के उदय में ही भारत और चीन दुनिया के प्रमुख देशों में उभर चुका है। और आप जान लें 21वीं शताब्दी का मध्य अगर एशिया का होगा तो 21वीं शताब्दी का भारतीयों का होने वाला है। ये तभी संभव है जब हम उसके लिए तैयारी करें। और विश्वविद्यालय कॉलेज वो प्रांगण है जहां आज की युवा पीढ़ी 21वीं शताब्दी पर भारत का दबाव कायम करने के लिए, भारत का दबदबा कायम करने के लिए काम कर सकता है। 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चीन की भी जनसंख्या या चीन की जनसंख्या में लगभग 50% आबादी वो हो जाएगी जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो जाएगी। आज हमारे यहाँ वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है। और ये युवा पीढ़ी 2030 के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय कार्यकारी जनसंख्या बनेगी। जो आज जिस बच्चे का जन्म हुआ वो 2050 में भारत का कैसा तस्वीर बनाएगा, ये अब विचार और मनन का समय है। क्योंकि 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया के देश, इन सबों को मिलाकर जितनी जनसंख्या 30 से 50 के बीच में होगी उससे लगभग दुगनी जनसंख्या सिर्फ भारत की होगी। उस उम्र और यह वह उम्र वर्ग होगा जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से कृषि करने वाले लोग आएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे।
फोटो ले लो क्या